घर वापसी उसी की संभव है जो इसी जन्म में हिंदू के रूप में जन्म लिया। आप जो घर वापसी करा रहे हैं, घर वापसी शास्त्र विरुद्ध है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जो काम पिछले हजार वर्षों में मुसलमान नहीं कर पाए, वो काम आप लोग करवा दीजिएगा, आरएसएस के चक्कर में करवा दीजिएगा, उनको तो सबका डीएनए एक लगता है। इसका अर्थ थोड़े कोई भी सोच के आ जाएगा अमेरिका, जापान, इंग्लैंड से और या भारत का भी, तो कहेगा कि हमारे पूर्वज ये थे, तुम हमको ये बना दो। मत कैसे बना देते, अरे 20 साल के बाद तो ब्राह्मण भी लौटे तो हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे। एक कहेंगे हमको इस हमारे परदादा ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, तो हमको तुरंत अभी तिलक लगा दो और पंचकव्य पिला दो, कल से हम भी ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाएंगे और तुम्हारे साथ रोटी बेटी करेंगे, तो ये धर्मशास्त्र संविधान के सर्वथा विरुद्ध है। ये हिंदुओं को एकदम रसातल ले जाने का, बिल्कुल त्रिविधम नरकस्यतम जो कहा ना भगवान ने, वही नरक का द्वार ये हो गया है, वापसी का जो नाटक हो रहा है। आपको लग रहा है कि हम हिंदुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, क्या संख्या बढ़ा रहे हैं, जब धर्मशास्त्रों पर ये निष्ठा नहीं रखेंगे, धर्मशास्त्री विधि से इनकी बहाली नहीं हुई, केवल कह देने से। फिर ये प्राश्चित का भी ढोल कि पंचकव्य पिलाओ और हवन करवाओ और स्त्रियों से, अब तो जो कर परसों हिंदू बना है वो सीधे आचार्य बनकर पूजा पाठ करा रहा है, वो दूसरों को घर वापसी करा रहा है, खुद की बहाली नकली हुई है, वो दूसरों को भी बहाल करते चल रहा है। तो पांच बातों को ध्यान में रखिए। घर वापसी उसी की संभव है जो इसी जन्म में हिंदू के रूप में जन्म लिया। दुर्भाग्यवशात मृक्ष बन गया, लेकिन मृक्ष बनने के 20 वर्ष के अंतर्गत वो वापस आना चाहता है, तो अमुक अमुक विधान से वर्ण और लिंग के आधार पर प्रायश्चित का विधान है। लेकिन अगर 20 वर्ष बीत गए हो या उसके मां बाप मृक्ष थे, ये मृक्ष ही पैदा हुआ था, तो उसके लिए घर वापसी संभव ही नहीं है। आप जो घर वापसी करा रहे हैं, ये घर वापसी शास्त्र विरुद्ध है, हम इसका विरोध करते हैं। चाहे हिंदुओं को लगे कि हम हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, एकता खंडित कर रहे हैं, लेकिन जो काम पिछले हजार वर्षों में मुसलमान नहीं कर पाए, वो काम आप लोग करवा दीजिएगा, आरएसएस के चक्कर में करवा दीजिएगा, उनको तो सबका डीएनए एक लगता है। शास्त्र में रोज फेरबदल की बात करते हैं, ब्राह्मणों को गाली ही देते रहते हैं, लेकिन अगर घर वापसी करा रहे हैं तो कहिए कि ये धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत घर वापसी नहीं है। कौन सा व्यक्ति उतना व्रत करके आ रहा है जी? कौन सा व्यक्ति जन्म से हिंदू था और बाद में मृक्ष के रूप में उसको बनना पड़ा और 20 वर्ष के अंतर्गत घर वापसी के लिए आया है? देवल स्मृति के नाम पर मूर्ख बनाना बंद कीजिए लोगों को। ऐसा नहीं कि केवल आपने ही स्मृति पढ़ी है, हमने भी पढ़ी सारे श्लोकों को, जो प्रधान प्रधान बिंदु थे, अब पूरा तो ग्रंथ नहीं बोलकर कोई बता सकता, लेकिन जो मुख्य बिंदु थे हमने श्लोक सानुवाद बता दिए। अगर हमारे अनुवाद में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप लोग बता सकते हैं कि सही अर्थ क्या है उन श्लोकों का। हमने जो अर्थ समझा है, विद्वानों से जो सीखा है, वो हमने बता दिया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो जन्म से हिंदू नहीं था, उसके माता पिता मुसलमान थे, उसके पूर्वज भले हिंदू रहे होंगे, उससे हमको मतलब नहीं। छठी शताब्दी, सातवीं शताब्दी से पहले और ईसा से पहले तो सब हिंदुए के रूप में थे, पूरी शंकराचार्य जी 10 बार कहते रहते हैं। तो इसका अर्थ थोड़े कोई भी सोच के आ जाएगा अमेरिका, जापान, इंग्लैंड से और या भारत का भी, तो कहेगा कि हमारे पूर्वज ये थे, तुम हमको ये बना दो। तुरंत कैसे बना दे तुमको, अरे 20 साल के बाद तो ब्राह्मण भी लौटे तो हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे। अब लोग कहेंगे कि ये हिंदुओं को तोड़ता है, इसी चक्कर में काला पहाड़ ये हो गया, कश्मीर के ब्राह्मण मुसलमान आज बन गए। ये रंगदारी का धर्म नहीं है ना कि धमकी देकर ब्लैकमेल करके तुम बन जाओ। हमारे यहां आहार का, यौन संबंध का बहुत निश्चित संयमित संविधान निश्चित है, मर्यादा उसकी निश्चित है, ऐसे नहीं होता। अगर आपको इतना ही हिंदू धर्म में आने की बेचैनी है तो जहां है वहीं रहिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान नाम संकीर्तन कीजिए, सत्य बोलिए, अहिंसा का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, गृहस्थ हैं तो गृहस्थ बनकर रहिए, अपने धन का अधिकाधिक प्रयोग लोकोपकार में कीजिए, मर जाइए, मरने के बाद यदि भगवान का नाम लेते मरे तो आप उद्धार को प्राप्त करेंगे, नहीं मरे तो उसी पुण्य फल के स्वरूप आप हिंदू के रूप में जन्म लेंगे, बहुत बढ़िया घर वापसी हो गई, फिर आप आजीवन हिंदू बनिए और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहेंगे हमको इस हमारे परदादा ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, तो हमको तुरंत अभी तिलक लगा दो और पंचकव्य पिला दो और कल से हम भी ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाएंगे और तुम्हारे साथ रोटी बेटी करेंगे, तो ये धर्मशास्त्र संविधान के सर्वथा विरुद्ध है। ये हिंदुओं को एकदम रसातल ले जाने का, बिल्कुल त्रिविधम नरकस्यतम जो कहा ना भगवान ने, वही नरक का द्वार ये हो गया है, घर वापसी का जो नाटक हो रहा है।
हाँ, कोई हिंदू था, आदिवासी था या वनवासी था, बन गया वो ईसाई या बन गया मुसलमान, 20 साल के अंतर्गत आना चाहता है तो 3 रात्रि का उपवास करा के, अमंत्रक पंचगव्य पिला के, देवाराधन भगवान नाम कीर्तन दान दक्षिणा करा के और उसका प्रायश्चित करवा के ले आइए, उसको तो हम मना नहीं कर रहे। लेकिन जो 5 पीढ़ी से मुसलमान है वो नहीं आ सकता अंदर, अब उसका कोई रास्ता यहां पर नहीं है। वो यही करे कि जैसे रसखान इत्यादि ने भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति का प्रदर्शन किया और भगवान से प्रेम किया, उनका उद्धार हुआ, उद्धार न भी अगर आपका हो गया तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, वही किया गया सत्कर्म सदाचरण आपको हिंदू के रूप में जन्म दे देगा। हम तो पुनर्जन्म वाले सिद्धांत पर चलते हैं ना, तो इसीलिए घर वापसी का जो शास्त्रीय प्रारूप है उस पर अगर घर वापसी कराते हैं, उन मापदंडों पर घर वापसी कराते हैं तो स्वागत है, और अगर उन मापदंडों पर आप नहीं आते हैं भैया तो हमारे दरवाजे आपके लिए बंद है। कौन सा महामंडलेश्वर क्या कहता है, कौन सा शंकराचार्य, कौन सा रामानुजाचार्य, कौन सा निम्बार्काचार्य, कौन सा मध्वाचार्य के पद पर बैठा व्यक्ति क्या कहता है, इस पर प्रमाण नहीं बताया जा सकता। प्रमाण धर्मशास्त्रों ने जो बताया है उसके आधार पर हम कर्तव्य कर्तव्य का निर्णय कर सकते हैं। दादाजी ने संध्या गायत्री छोड़ी लेकिन धोती कुर्ता पहनते रहे, पिताजी ने धोती कुर्ता भी छोड़ दिया लेकिन शिखा और जनेऊ तक पालन करते रहे। आप आए, आप शिखा और जनेऊ भी छोड़कर बैठे हैं और आपके बेटे जो हैं वो तो अंतर जाति और अंतर वर्ण के अंतर्गत विवाह करते जा रहे हैं, और पोता जो होगा वो तो यही कहेगा ना इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट करते चलेगा, वो तो बिल्कुल रसातल जाएंगे। मृक्षों के साथ संस्पर्श, उनके साथ संलाप भी बल्कि गर्भित ही बताया गया है। अब हम अपने जीवन की बात बताते हैं। हम 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो किसी सहपाठी ने कहा कि स्कूल में प्रोजेक्ट मिला है, चलो कैफे जाकर कुछ प्रिंट आउट निकलवाते हैं। तो हम चले गए उसके साथ, जीवन में हम पहली बार देखे कि कैफे क्या होता है, साइबर कैफे। तो गए तो पता चला कि वो किसी मुसलमान का कैफे है। अब उस समय जहां मेरा दोस्त ले गया, हम चले गए प्रिंट आउट निकाले, अब पूरे क्षेत्र में एकमात्र कैफे वही था। तो स्कूल में जब कोई काम मिलता वैसा तो वहीं जाकर प्रिंट आउट निकालना पड़ता। तो उस व्यक्ति ने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, जब भी जाते तो प्रणाम पंडित जी ऐसे अच्छे से ही कहता था वो व्यक्ति, अभी जीवित भी है बल्कि। तो एक दिन ऐसे ही हम अपने मित्र के साथ प्रिंट आउट निकालवाने गए हुए थे कुछ प्रोजेक्ट के लिए, 2010-11 की बात होगी। तो उस व्यक्ति को मैंने बड़ा उदास देखा, तो ऐसे ही दयालुता बस पूछ लिया कि भाई क्या उदास हैं जी आप आज। तो उसने कहा कि पंडित जी हमारे घर में झगड़ा हो गया जमीन को लेकर, और हम लोगों ने जब खतियान वगैरह बहुत पुराने पुराने कागजात निकलवाए, तो हम तो अंसारी हैं, हमारे पिताजी भी अंसारी थे, हमारे दादाजी भी अंसारी थे, परदादा भी अंसारी थे, लेकिन उनके बाप के लिए किसी पांडे का नाम लिखा हुआ है। तो पांडे का नाम लिखा लगता है हम लोग ब्राह्मण थे। तो अब मुस्कुराए, क्या कर सकते हैं, आप थे तो थे, हमारे पूर्वज भी ब्राह्मण थे लेकिन उन्होंने तो धर्म नहीं बदला, आपने तो बदला, तो अब कीजिए सदाचरण का पालन, भगवान का भजन कीजिए जब पांडे थे आप लोग। तो बोला नहीं नहीं, नहीं ये तो कुफ्र है, अब कैसे होगा, ये तो सोचना भी कुफ्र है, हम लोग तो पड़े रहो भैया फिर। लेकिन जो लोग भगवान का नाम लेना चाहते हैं उनके लिए कोई निषेध भी नहीं है, भगवान रामानंदाचार्य जी ने तो राम नाम सबके लिए सुलभ कर ही दिया था और शास्त्रीय प्रमाण के साथ किया था। तो राम राम करो ना बैठकर भाई, चैतन्य महाप्रभु ने हरे राम करवाया तो करो ना बैठकर, उसके लिए तो मना नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन कहोगे कि एकदम जने लगाकर तुम्हारे साथ एकदम उसी वर्ण में उसी गोत्र में रोटी बेटी सब करने लगेंगे तो अभी उतने योग्य नहीं हुए हो, अभी प्रायश्चित की विधि शेष है, अभी तुम्हारा पुनर्जन्म होना है, उस शुद्ध प्रारूप में आपको आना है, हम स्वागत तो करेंगे लेकिन विधि से आओगे तब ना, वीजा पासपोर्ट लगाओगे तब ना, ये थोड़े कि तार फांद के घुस गए तो तुम्हारा स्वागत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह शास्त्रीय है। घर वापसी का जो शास्त्रीय प्रारूप है उस पर जो काम करें तो हम स्वागत करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम उसका बहिष्कार ही करेंगे। तो घर वापसी पर जो शास्त्रीय पक्ष था हमने रख दिया है, किसी को पसंद लगे या ना लगे उससे मतलब नहीं, ट्रॉय का घोड़ा बनने से बचिए। आपको लग रहा है कि हम हिंदुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, क्या संख्या बढ़ा रहे हैं, जब धर्मशास्त्रों पर ही निष्ठा नहीं रखेंगे, धर्मशास्त्री विधि से इनकी बहाली नहीं हुई, केवल कह देने से, फिर ये प्रायश्चित का भी ढोंग क्यों कि पंचगव्य पिलाओ और हवन करवाओ और स्त्रियों से, अब तो जो कर परसों हिंदू बना है वो सीधे आचार्य बनकर पूजा पाठ करा रहा है, वो खुद दूसरों को घर वापसी करा रहा है, खुद की बहाली नकली हुई है, वो दूसरों को भी बहाल करते चल रहा है, और उसमें स्त्रियों से गायत्री मंत्र से हवन दिलवा रहा है, तो क्या क्या कर रहा है, कोई शास्त्रीय विधि नहीं लेकिन बनना है हिंदू। तो आप बनिए उस प्रकार से हिंदू, लेकिन अपने आपस में एक अलग समाज बना के अपना रोटी बेटी करते रहिए, मुख्य परंपरा को क्यों विकृत कर रहे हैं, उसमें आप अलग से कहिए कि चलो जो मुसलमान घर वापसी से आए वो लोग अलग सेक्टर बनाकर रखें, भगवान प्रति निष्ठा रखें और आपस में रोटी बेटी सब करते रहें। लेकिन ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो शूद्र वर्ण में भी नहीं स्थान पा सकता,
चारों वर्णों के अंतर्गत उसका किसी गोत्र और वर्ण में स्थान नहीं है, अगर वो जन्म से उस वर्ण गोत्र में नहीं था और घर वापसी 20 वर्ष के अंतर्गत वो नहीं कर रहा है। ये देवर महर्षि का अनुशासन है, संविधान है, जिसे हम सभी मानते हैं और हर हिंदू को मानना चाहिए। जो श्रुति स्मृति की मर्यादा को नहीं मानता उसे हम सनातनी स्वीकार नहीं करते, और जो स्वयं सनातनी नहीं है वो दूसरों को क्या सनातनी बनाएगा। यही हमारा पक्ष है, यही हमारा शास्त्र सम्मत विवेकपूर्ण वक्तव्य हमने देने का प्रयास किया है। किसी को आपत्ति हो तो जिस विधि से वो घर वापसी करा रहे हैं उसके समर्थन में इतने शास्त्र प्रमाण जो हमने दिए उनका खंडन करके शास्त्र प्रमाण देने के लिए भी स्वतंत्र है। यदि वो शास्त्र प्रमाण वास्तव में मान्य होंगे तो हमें उन्हें भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां तक हमने शास्त्रों को देखा, पढ़ा, आचार्यों की संगति की, हम इसी को समझते हैं, जानते हैं और इसी पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। श्रीमन नारायण।